हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और इस एनालिसिस में देखेंगे नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे सेशन को ये अपने कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स एंड टारगेट हम लोगों को दिखा सकता है पूरे नेक्स्ट वीक के मोमेंटम की हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो हमने क्या किया यहाँ पे, जो कल यहाँ पे क्या हमने एनालिसिस किया था पहले उसको देख लेते हैं। तो कल हमने यहाँ पे एनालिसिस किया था, कल के दिन फ्लैट ओपनिंग होती है और 2549 का यहाँ पे ब्रेकडाउन होता है। 2538 का पहला टारगेट एंड 2527 का दूसरा टारगेट हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकता है और यहाँ पे इन दोनों टारगेट आज हमने यहाँ पे देखे हैं। अभी यहाँ पे देखेंगे पिछले 2 दिनों से यहाँ पे अच्छी खासी सेलिंग चल रही है, ठीक है। पहले दिन यहाँ पे फॉल हुआ और आज के दिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉल नहीं हुआ, लेकिन आज के दिन यहाँ पे फॉल था। उसके पहले वाले दिन अगर हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो इस भी दिन हम लोगों को कहीं ना कहीं ट्रेंडिंग मार्केट देखने को मिला था। 2 दिन ट्रेंडिंग मार्केट के बाद आज देखेंगे ऊपर नीचे वोलेटाइल था। तो यहाँ पे इस चीज़ को नोट करके रखेंगे कि पिछले 3 दिनों में हम लोगों को यहाँ पे ट्रेंडिंग मार्केट मिल चुका है। तो अभी हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे जाएंगे एंड वहाँ पे देखेंगे एंड उसके बाद आने के बाद फिर से हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अपने लेवल्स एंड इंपॉर्टेंट टारगेट देख लेंगे। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्या सिचुएशन है यहाँ पे, अगर हम लोग चार्ट रीड करने की कोशिश करेंगे तो नीचे से हमारे पास यहाँ से इस तरीके से ट्रेंड लाइन जा रहा होगा, ठीक है। और ये जो ट्रेंड लाइन है यहाँ पे अभी आने वाला है और ऊपर से भी हमारे पास यहाँ पे क्या है, ट्रेंड लाइन है। तो ये अभी फिलहाल के लिए जिस तरीके का यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, तो 1 वीक पूरा रुकने के बाद और 1 दिन यहाँ पे कन्फ्यूजन के बाद सेलर्स ने यहाँ पे नीचे की ओर क्लोजिंग दे दिया है। इस वीक की जो क्लोजिंग हुई है 2530 के आसपास हुई है। पिछले वीडियो से आप सभी को पता होगा इसके बाद का जो हमारा इमीडिएट सपोर्ट जो है वो 2500 के आसपास है। अगर यहाँ पे 2500 के लेवल यहाँ पे ब्रेक होता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है ये आने वाले वीक में लगभग लगभग ये हमारा जो 2500 कितना लेवल है, हम लोग ये लेवल यहाँ पे देख लेते हैं। ये लेवल है अगर अराउंड 2440, ठीक है। 2440 का भी लेवल हम लोगों को दिखा सकता है और इन्हीं लेवल के आसपास से, ठीक है, इन्हीं लेवल के आसपास से फिर से यहाँ पे बाइंग हैपनिंग हो सकती है ऊपर की ओर। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ मैं, इसके पीछे का रीज़न जो है यहाँ पे अगर ये चार्ट ओपन कर देते हैं, ठीक है, तो ये ऊपर से ट्रेंड लाइन है, ये नीचे से ट्रेंड लाइन है, प्लस हमारे पास एक और ट्रेंड लाइन है जो हम लोग यहाँ ड्रॉ नहीं किए हैं, इसको हम लोग यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये वाली जो ट्रेंड लाइन है हमारे पास, इसका जो हम लोगों को यहाँ पे सपोर्ट मिलेगा वो लगभग लगभग 2440 के आसपास सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए 2440 के आसपास ज़्यादा चांसेस है ये आके सपोर्ट लेगा। प्लस हम सभी लोगों को पता है 2440 एक ब्रेकआउट लेवल है, ठीक है। यहाँ से इन लेवल के आसपास ये ब्रेकआउट दे के ऊपर की ओर निकला है, इन 2 कैंडल का ब्रेकआउट दे के। तो जब भी ऊपर से नीचे आएगा तो पहले इन लेवल के आसपास ही सपोर्ट लेगा। तो इसीलिए ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट प्लस ऊपर से नीचे आ रहा है इस और ये ब्रेकआउट लेवल का सपोर्ट, दोनों की वजह से ये 2440 के आसपास तक आ सकता है और इन लेवल से फिर से बाइंग हैपनिंग हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो नेक्स्ट वीक की बात करेंगे तो नेक्स्ट वीक में बहुत ज़्यादा यहाँ पे देखिए ऊपर से सेलिंग होके आ रहा है, ये शेयर ऊपर से इस तरीके से नीचे की ओर गिर रहा है। तो अभी जो यहाँ पे बाउंस बैक वाला पोजीशन है 2500 है, उसके बाद 2440 है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दोनों लेवल से ऊपर की ओर बाउंस बैक हो सकता है। तो अगर इन किसी लेवल से टच करने के बाद ऊपर की ओर बाउंस बैक होता है तो इस टाइप का एक यहाँ पे कैंडल बन सकता है, लेकिन बहुत बड़ा मैं कैंडल एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि देखेंगे आज इस वीक में यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे ऊपर जाने के बाद ये मोमेंटम हो चुका है। अगर नीचे की ओर मोमेंटम होता है तो हम लोग 2440 तक का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर ऊपर की ओर मोमेंटम होगा तो हो सकता है 2600 इन लेवल के बीच में ही कहीं ना कहीं हमारा वीक हम लोगों को देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे ये सिचुएशन है, डेली टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं तो कुछ और इनसाइट्स मिलेंगे, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम का भी कैंडल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज का जो क्लोजिंग देखेंगे बिल्कुल एकदम अपने ये 2500 लेवल के आसपास हम लोगों को यहाँ पे मिला है, ठीक है। एकदम परफेक्ट प्लेन प्लेस पे इसने क्लोजिंग हम लोगों को दे दिया। बायर सेलर्स ने बहुत कोशिश किया होगा यहाँ पे 2520 के नीचे क्लोजिंग दिला दें, लेकिन यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाया है। कहीं ना कहीं बायर्स ने ये सपोर्ट लेवल पे इसको फिर से सपोर्ट दे दिया है। अभी यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती हैं। मंडे को मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाता है 2560 के आसपास, ध्यान से सुनिएगा, 2560 के आसपास अगर मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है तो ये फिर इन लेवल को ब्रेक करेगा, इसकी कम पॉसिबिलिटी हो जाएगी। फिर ये यहीं से ऊपर निकलने की कोशिश करेगा। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये जो जिन लोगों ने आज सेल करके यहाँ पे पोजीशन होल्ड करके गए हैं, ठीक है, जब उनको रातों रात यहाँ पे उनके अकाउंट में नेगेटिव में पोजीशन दिखेगा तो वो अपना सभी लोग पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे और ये बाई करेंगे और यहाँ से फिर ये ऊपर की ओर निकल जाएगा।
प्लस ये सारे सारे बायर्स ट्रैप हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पे सिचुएशन बन सकती है। और ये अगर ऊपर से नीचे भी आएगा तो अब ये फिर से क्या करेगा, एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि गैप अप ओपनिंग के बाद ये जो लेवल है क्लोजिंग प्राइस, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। तो ऊपर से नीचे आएगा तो एक सपोर्ट की तरह काम करेगा और यहाँ से फिर से ये बाउंस बैक लेके ऊपर की ओर जा सकता है इस तरीके से। तो ये चीज़ हम लोग यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। 50 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं और हम लोग यहाँ पे जल्दी से अपने इंपॉर्टेंट टारगेट्स एंड लेवल्स अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे नीचे के टारगेट्स एंड लेवल्स देखेंगे। तो नीचे अगर ये यहाँ पे अब 2525 आज का जो यहाँ पे लो लगा है उसको हम लोग देख लेते हैं। आज का लो लगा है यहाँ पे 2525.7 का, राइट। तो हम भी हम लोग क्या करेंगे, 2519, ठीक है, 2519 के ब्रेक डाउन के बाद यहाँ पे नीचे की ओर के लेवल देख सकते हैं। और नीचे की ओर जो हम लोग यहाँ पे पहला लेवल देखेंगे वो देखेंगे 2500.05 का, 2500.05 का हम लोग यहाँ पे लेवल देखेंगे। दूसरा लेवल हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 2485 का, ठीक है, 2485 का दूसरा हम लोग को यहाँ पे लेवल देखने को मिलेगा। अभी जिन लेवल्स की मैं बात कर रहा हूँ इम्पोर्टेंट, इनमें ये है कि ये इन पॉइंट के नीचे 2540 इनके बीच में कहीं ओपन होना चाहिए, उसके बाद इस लेवल को ब्रेक करना चाहिए। अगर ये इन लेवल के ऊपर यहाँ पे 2550 के आसपास ओपन होता है तो ये फिर सपोर्ट की तरह काम करेगा और ये इतना नीचे फिर जा नहीं पाएगा। अगर ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर के अपने पास जो लेवल रहेंगे अभी देखेंगे, आज इसको जो यहाँ पे आज ओपनिंग के बाद ये ऊपर तो जाने की कोशिश किया था लेकिन इन्हीं लेवल से फिर से इसको सेलिंग मिल गया है। तो अगर ये फिर से मंडे वाले दिन यहाँ पे 2568 को ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है, ठीक है, तो ऊपर की ओर हम लोगों के पास जो पहला टारगेट हम लोगों को देखने को मिलेगा वो 2578 का देखने को मिलेगा। एंड जो यहाँ पे हम लोगों के लिए सेकेंड टारगेट हम लोगों को ऊपर की ओर देखने को मिल सकता है वो 2585 तक का देखने को मिल सकता है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।